अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जब आप यूएई आते हैं टूर पे या विज़िट जिसको बोलते हैं, 60 डेज़ का होता है, 30 डेज़ का होता है, पहले 3 महीने का होता था, अब नहीं होता। इसमें जो है आप आते हैं विज़िट पे, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके कोरोना के जो 3 डोज हैं वो आपको लगी हो, आपका पासपोर्ट वैलिड हो, ठीक है, आपके जो है ना पोलियो कार्ड वो भी ज़रूरत है, पोलियो मतलब आपके कतरे वगैरह जो होते हैं वो आप जिस भी सिटी में आप वहाँ से कंफर्म करें मतलब लगवाएं जाके, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। और इस तरह से कोरोना का आपको बता दिया, पासपोर्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये है कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको पे करना होता, फ्री में नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ जहन में रखें। फिर जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है फिर आपने टिकट बाय करना होता है। टिकट जो है डिफरेंट एयरलाइंस की होती है, मैं खुद ही जो है PIA में आया था, मैंने सुना था कि अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो था वो अच्छा रहा है, और रिटर्न टिकट भी मैंने PIA के लिए, अब देखते हैं कि सेकंड एक्सपीरियंस कैसा रहता है इनके साथ। वैसे इतना बुरा नहीं था, मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ थी। इसके अलावा ये था कि स्टाफ जो था ना जहाज़ में, इसको क्रू मेम्बर्स बोलते हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। मतलब मुझे विंडो सीट मिली थी, तो मेरे साथ एक बंदा फटा कर रहा था कि यार जगह दो, तो उन्होंने कहा भाई ये इसकी सीट है, क्योंकि बोर्डिंग पास होते हैं उस पर आपकी सीट नंबर लिखी होती है। अच्छा भाई ये है कि आप लोग अगर विज़िट वीज़े के लिए इंटरेस्टेड है और आप लोग जो है ना ट्रैवल एजेंसी की जो सर्विसेज हैं वो लेना चाहते हैं, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा। इसके अलावा अगर आप लोग फ्रीलांस वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।